नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ऑनलाइन सेलिंग टिप्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट के स्टॉक फाइल अपडेट के बारे में। काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि आप प्लीज एक वीडियो बनाइए, डेडिकेटेड वीडियो बनाइए जिसमें हमें पता चल सके कि हम स्टॉक काउंट कैसे अपलोड कर सकते हैं फ्लिपकार्ट में। दोस्तों आप अगर नए सेलर हैं, पुराने सेलर हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये अपडेट्स लाइफ टाइम काम आएंगी जब भी आप अपना सेलिंग ऑनलाइन कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करना है आपने, सबसे पहले अपना अकाउंट लॉगिन करना है फ्लिपकार्ट का। उसके बाद आपने आना है लिस्टिंग की टैब में। लिस्टिंग की टैब में आने के बाद आपने लेफ्ट हैंड साइड में कर्सर दिख रहा होगा डाउनवर्ड्स का, डाउनवर्ड्स वाला कर्सर दिख रहा होगा, वहां पे आपने क्लिक करना है नीचे की साइड और वहां पे सिलेक्ट करना है ऑल पेजेस को। ऑल पेजेस सिलेक्ट करने के बाद आपने ब्लू कलर का एक बटन दिख रहा होगा रिक्वेस्ट डाउनलोड का, रिक्वेस्ट डाउनलोड आपने कर लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जब वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड होने के बाद आपने उसको अपने सिस्टम पे ओपन करना है। प्रोसेस्ड फाइल डाउनलोड, डाउनलोडेड लिस्टिंग फाइल को आपने अपने सिस्टम पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद वो कुछ इस प्रकार की दिखेगी दोस्तों, और उस फाइल को आप अपने सिस्टम पे ओपन कर सकते हैं। पर दोस्तों क्या करना है आपने, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एम कॉलम में सिस्टम स्टॉक काउंट और N कॉलम में योर स्टॉक काउंट। तो M कॉलम में आपने यहाँ पे देख रहा होगा सिस्टम स्टॉक काउंट में आपके पास स्टॉक आ रहा है, ये सिस्टम का स्टॉक है, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते जब तक आप अपने योर स्टॉक काउंट में चेंजेस ना करें। आपने राइट हैंड साइड योर स्टॉक काउंट में आपने अपना स्टॉक लिखना है, जो जो आपके पास जितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट पड़े हैं उतनी क्वांटिटी में आप यहाँ लिखिए, और इसको एज इट इज विदाउट चेंजिंग इट्स नेम एज इट इज कंट्रोल एस कीजिए, सेव एस कीजिए, इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव कीजिए, और इस पे दोबारा अपलोड करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट डाउनलोड के राइट हैंड साइड पे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड कीजिए वो वाली फाइल सिलेक्ट कीजिए और आपका जो स्टॉक काउंट फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। जितनी जल्दी अपलोड कर सकते हैं उतनी जल्दी अपलोड कीजिएगा। स्टॉक फाइल के साथ साथ आप इसमें प्राइजेस और उसके साथ साथ अपने मैन्युफैक्चर, इम्पोर्टर, पैकर डिटेल, कंट्री ऑफ ओरिजिन कुछ भी चेंज कर सकते हैं एक्सेल में। आप अपने एंड से हर एक एक्सेल में चेंजेस करने के बाद उसको अपलोड कीजिए, अपलोड करने के बाद आपका उतना ही स्टॉक काउंट अपडेट दिखेगा भी और होगा भी। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए कमेंट्स में, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिसका नाम है ऑनलाइन सेलिंग टिप्स। थैंक यू सो मच।